यहाँ खाएंगे आते समय आते समय या तो नीचे कोई होगा तो वही खाएंगे।
तो है यार। ग्राफिक एरा का कॉलेज है ना,
द्वापर युग में राजा नल जो थे राज किया करते थे। ये हैं यहाँ के पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम केदार योगेश। केदार योगेश, आपको नमस्कार। नमस्कार। और ये यहाँ के पंडित हैं, देख रहे सब, ये यहीं के हैं, आप यहीं रहते हो? जी जी। अच्छा, तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए हमको। हाँ, तो ये पहले जो है द्वापर युग में राजा नल दमयंती जो थे यहाँ राज किया करते थे। पांच फोड़ का उनका महल था जिसमें कि पंचपुरी कहलाई। इस समय द्वापर में भगवान श्री हरि का अवतार था राजा नल का, वो साक्षात विष्णु भगवान थे और दमयंती की जो पत्नी थी वो भी साक्षात लक्ष्मी बताई जाती है। तो राजा भीष्म जो थे द्वापर युग के जो राजा भीष्म थे उनने ऐसी तपस्या की कि शंकर भगवान की कि मेरी पुत्री ऐसी पैदा हो कि जैसे कि लक्ष्मी हो। तो उनके घर में वो दमयंती का जो है पैदा हुई। तो एक दिन ऐसा समय हुआ कि वह सुंदर और साक्षात लक्ष्मी होती, तो उनका ब्याह जो है राजा नल के साथ होने का लगा। लेकिन देवताओं को प्रसन्न थी वो, कि देवताओं ने कहा कि राजा नल इसको क्यों बढ़ाता है, इसको तो हम भाई। तो इस प्रकार से राजा नल को उन देवताओं ने पांचों ने जो है सारथी बना दिया। कि बोले कि महाराज तुम स्वयंवर में नहीं जाओगे और स्वयंवर में हम जाएंगे और द्रौपदी जो ये दमयंती है ये हमको ही चाहिए, लेकिन आप सारथी रहोगे और इस बारे में कुछ नहीं बोलते। क्योंकि राजा जो दमयंती थी उसने ऐसी तपस्या की थी साक्षात भगवान विष्णु की, वो तो देवताओं को पहचानते थे। तो स्वयंवर महाराजा महाराजा हर एक आए हुए थे भीष्म के घर में, तो किसी के गले में उन्होंने जयमाला नहीं डाली, पकड़ी तो सारथी के गले में। अब वचनबद्ध राजा वचनबद्ध थे कि महाराज मैं उसको नहीं भाऊंगा, तो उन्होंने छोड़ दी और उनके पीछे दमयंती लग गई। भाई लगते लगते इसी सरोवर पर आई। इस ताल में तीन प्रकार की मच्छियां हैं। नंबर एक ऐसालू, ऐसालू काली आगी कड़ंग कलंग है, वो है वो काली टाइप की, ये जो चमकीली है ऐसालू है लंबी पूंछ की, वो काली जो है वो कलंग है। अब आपको महाशेर के दर्शन भी कराएंगे, यही आ जाएगी आपके देखते देखते, वो महाशेर भी आ गई, मोटी है ये हिलती हुई, जो भक्त देखना चाहता है वो तुरंत आ गई। ये तीन ही जाति की मिल गई है। महाशेर देखिए मोटी होती है, सबसे मोटी होगी वो, मोटी है छोटी और मोटी, वो महाशेर कहलाती है। मुसुमा यहाँ तो बीच में है, बहुत हजारों हैं। हाँ, इस सरोवर में मच्छियों की कमी नहीं है। हाँ, मच्छियाँ तो बहुत है इसमें, बहुत मच्छियाँ यहाँ। कोई इसको मारना इतने अपराध है, इसको अगर कोई मारे तो अगर कर्कोट नाग देवता की दृष्टि पड़ गई वो जिंदा नहीं रहता, वो अवश्य तीन दिन में उसका ही है। यहाँ पर जो है आसन प्राण, हमें भी 45 वर्ष हो गए। हाँ, हमारे दादा गुरु के ये व्यास का पेड़ वैसी है, ये भी काफी पुराना लग रहा है, बहुत पुराना वृक्ष है। एक बांस का पेड़ है यहाँ, वो भी पुराना ही है। एक पीपल का पेड़ है, वो भी पुराना है। और इस एरिया में कई जैसे पेड़ हैं, इनमें कई शैताने साथी हैं। ये महाराओं की दान नामे की, ये जो बड़े पेड़ हैं ये इसमें तो जो है खतरनाक एहसान देवता साधे गए हैं। अच्छा, यहाँ जो ऊपर है महावीर साधे गए हैं, यहाँ ऊपर पेड़ों में जिन बाधे गए हैं। इस एरिया में सिद्ध मौनी महाराज द्वारा सारे राक्षसों का वध हुआ है और उसके बाद वही मतलब उनकी आत्मा को वो कर गया। हाँ, सारी चीजें डुकलमा करके हमारे पिताजी को दे गए। ये महाशेर की जातियाँ हैं, सब ये है महाशेर पूरी है। अभी अन्य मछलियाँ और ये है देखो, मोटी है। ये उस समय के राजा नल ने जो शिकार खड़ा वही उपासना दी गई, और ये सारी मछलियाँ एक साथ मिली जुली रहती हैं, न आपस में इनमें मत न भेव। जैसे भगवान शंकर का परिवार है वैसे इनका ही परिवार है। इसी से ही अष्टधातु त्रिभुजाधारी लिंग निकला है। इसके तीन साल होने से हमारे चेयरमैन साहब जो है कनौजिया जी, वीरेंद्र कनौजिया जी, इसका पूरा वही देखा है और उन्होंने इसका डिप्लोमा बना दिया। ये फील्ड हरियाली और सब हम लोग की दुकान और मंदिर की जेल वापिस सारा लेते हैं, इसलिए हम उनको देख के प्रसन्न हैं। इसलिए किसी से ये चीज नहीं है कि ये जनता और जनार्दन या हर किसी की सेवा के लिए हो, यहाँ पर हर कोई दर्शन करे। हाँ, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, यहाँ से जल लाए स्नान करें, यहाँ पर तर्पण इत्यादि सब होते हैं। तो ये तो सब भगवान का है, एक दिन तो कोई नहीं रहा ना, उतने बड़े संत महात्मा चले गए। सही बात है, है? उसके बाद हमारा पिताजी चले गए, अब एक दिन हमने भी जाना है। ये जमीनों को ले लाके क्या करेंगे, इससे जितना सुधार हो जाए, जितना इसका भविष्य का निर्माण हो जाए वही है। आप देखो 1000 आदमी 1500 आदमी
भागवत हुआ यहाँ अंदर हमेशा से पुराना। तो इसके अंदर भी मंदिर है? ना मंदिर नहीं है, व्यास खाली हॉल टाइप का। हॉल टाइप की और ठीक ठाक बड़े। तो इसके अंदर तो इतनी आनंदमय चीजें हैं, इसके लिए क्या कहें, वो है मंदिर है। और यहाँ देखो शमशान घाट के ये स्थल को, ये यहाँ पर अच्छा ये भी पंडित जी आगे ये हमारे यहाँ। तो ये एरिया ऐसी है कि एकदम डकलुमा। हाँ ये हमारे क्षेत्र महारा लोगों के हिसाब से ये जागृति है, फिर चुनौतिया जी ने तो मुझे खोल दिया। अच्छा बना दिया आपने, यहाँ देखो तो सही काफी अच्छा बना दिया आपने। कोई कमी मैं यहाँ पहली बार आया हूँ वैसे है? पहली बार आया हूँ मैं। हाँ ये तो ऐसी एरिया है, मैं शाम के कहना ही नहीं है, शाम के थे मेरा घर वैसे। ये हमारे रिश्तेदार जीजाजी हैं, जीजाजी हैं मेरे। पंडित जी नमस्कार, हमें इनको सेवा पानी चैन है, बिल्कुल साफ स्वच्छता अपन में चैन है। निकला आदमी की बरसों को सर्दी ने, ये देखो ये नंदी ज्वर है, क्या भीड़ लगी है भोजन की से, क्या कर सकता है इतना जाओ तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा आपने सुना, पंडित जी ने हमको ये सात ताल मंदिर के बारे में, इस ताल के बारे में काफी कुछ बताया, काफी कुछ नई बातें थी जो जानने लायक थी। पंडित जी ने काफी सारी बातें बताई कि ये मछली में तीन प्रकार की मछलियाँ रहती हैं इस ताल में, और काफ़ी अच्छा मतलब पहले से बहुत चेंज हो चुका है यहाँ का सीन। पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, पहले यहाँ शमशान घाट हुआ करता था, जिसके वजह से यहाँ शिव जी को पूजा जाता है। शिव जी का मेन गढ़ है यहाँ पर को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम, यहाँ का एरिया, यहाँ की लोकेशन काफ़ी बेस्ट। आइए विजिट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।